आज की इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम दो सॉकेट और एक स्विच और एक इंडिकेटर बनाएंगे। इसको हम एक एक्सटेंशन बोर्ड भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं हमें कहीं पे सप्लाई की जरूरत है तो वहां पे हम सप्लाई की लेके जानी है तो वो कैसे लेके जाएंगे, इस बोर्ड के थ्रू हम लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हम इतनी लंबी एक वायर ले सकते हैं। आप ये कितनी भी लंबी वायर ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट अपने जरूरत के हिसाब से, जहां तक आपने सप्लाई लेके जानी है वहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये 5-5, 6-6 एम्पियर की दो सॉकेट ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सॉकेट के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि सॉकेट के कनेक्शन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5 पिन की सॉकेट है। 5 पिन मतलब यहाँ पे 4 ये और एक ये 5, यानी कि 5 पिन लगी हुई है इसके अंदर। तो ये 5 पिन सॉकेट बोली जाती है। 6 एम्पियर तक इसके ऊपर हम लोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टर्मिनल की। जो ऊपर का टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का सिंबल बना रखा है। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये मोटी पिन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और जहां पे L लिखा होता है, L यहां से अगर राइट सीधा से देखेंगे तो राइट साइड में, ये राइट साइड है तो यहां पे देखेंगे तो ये फेज का होगा और लेफ्ट साइड में ये न्यूट्रल का होगा। अगर हम पीछे कनेक्शन कर रहे हैं तो यहां पे लिखा होता है फ्रेंड्स N, N मतलब न्यूट्रल, L मतलब लाइन यानी कि फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेज कनेक्ट करना है और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना है और यहाँ पे अर्थिंग करनी है। अगर आपके पास अर्थिंग की वायर नहीं है, अर्थिंग नहीं कर रखी है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो ऐसे ही करनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस यहाँ पे भी L है और यहाँ पे N और ये यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी सॉकेट के अंदर यही टर्मिनल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और स्विच है फ्रेंड्स, स्विच कुछ आप देख सकते हैं इस तरह का है। ये वन वे स्विच है फ्रेंड्स, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके पीछे दो टर्मिनल है और ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि इस बोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर सप्लाई है या नहीं है, यानी कि पावर है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इस वीडियो के प्रति कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी दो सॉकेट और एक स्विच और एक इंडिकेटर को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। जो हमारे ये पेच होते हैं फ्रेंड्स, इनको टाइट करने के लिए पेच दिए जाते हैं, साथ में आते हैं ये। आपको ये सामान मार्केट में आसानी से इलेक्ट्रिकल की शॉप पे मिल जाता है, ठीक है। और आप आसानी से इस बोर्ड को बना सकते हैं। तो हम ये जल्दी जल्दी से इसके ऊपर ये टाइट करके आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हम ये फिट कर रहे हैं, ये एक प्लाई बोर्ड होता है, सनमाइका सीट का होता है। ये भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है। जितने भी कटआउट का आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्लास्टिक बॉडी में भी आते हैं, अगर आपको प्लास्टिक बॉडी में लेना है तो प्लास्टिक बॉडी में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने जो सनमाइका सीट है उसके अंदर हमने दो सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर को फिट कर लिया है, पेच की सहायता से इसको टाइट कर लिया है, कस लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं इसकी वायरिंग, इसके कनेक्शन, कैसे इसके कनेक्शन किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हम न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल को हम कॉमन पॉइंट बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन वाला पॉइंट है यहाँ पे, एक यहाँ पे एन वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। और फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर होता है हमारा, इंडिकेटर के अंदर फेज और न्यूट्रल दोनों होते हैं, तभी जाके ये ऑन होगा, यानी कि इसके अंदर बल्ब ऑन होगा, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है वो ऑन हो जाएगा, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल आएगा। तो इसके अंदर भी एक न्यूट्रल आएगा और सॉकेट के अंदर भी एक न्यूट्रल आएगा और एक इस सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट को हम कॉमन बना लेते हैं वायर से। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये येलो कलर की वायर है, इसको हम छील के सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इस साइड वाला सॉकेट है इसके एन वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ठीक है, ये यहां पे जुड़ गया है। अभी फ्रेंड्स, इसको इस तरह से नाप के, ज्यादा लंबी वायर ना छोड़ते हुए, इसके अंदर यहां पे इस सॉकेट के इस एन वाले पॉइंट तक इसको कट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कट कर लिया हमने और इसी के साथ हम एक वायर और जोड़ लेंगे जो कि हम इंडिकेटर के अंदर साथ में कनेक्शन कर देंगे, जो
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने जोड़ दिया है। अभी इंडिकेटर के अंदर भी हमने न्यूट्रल देना है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम इंडिकेटर के अंदर न्यूट्रल दे देंगे। चाहे आप यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ भी आप यहाँ पे दे दीजिए, तो हम क्या करते हैं इस वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे न्यूट्रल वायर को पहुँचा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कट लगाएंगे, एक कट लगा के इसको छील के अच्छे से प्रॉपर, और इसके फ्रेंड्स जितने भी कनेक्शन कर रहे हैं आप अच्छे से टाइट करने हैं आपको। ठीक है, तो अभी ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गई है फ्रेंड्स हर जगह पे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक सॉकेट में हमने यहाँ पे न्यूट्रल पहुँच गया, एक सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल पहुँच गया, और इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे इसके थ्रू न्यूट्रल पहुँच जाएगा जब न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। अभी फ्रेंड्स हम करते हैं कनेक्शन इसके अंदर फेज का। फेज के लिए हम रेड कलर की वायर यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो स्विच है, स्विच के थ्रू हम सॉकेट को ऑन करेंगे। जब स्विच दबाएंगे तो दोनों सॉकेट के अंदर पावर जाएगी। तो क्या है, जो स्विच है हमारा फ्रेंड्स, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, स्विच के एक ही पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक यहाँ पे वायर जाएगी, इसी पॉइंट से दूसरी वायर यहाँ पे जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल वाला पॉइंट है और यहाँ पे भी एल वाला पॉइंट है, तो हम एक वायर यहाँ से निकाल के एक यहाँ पे जोड़ देते हैं और एक यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे हमने न्यूट्रल कॉमन बनाया था, उसी तरह से हम फेज वायर को भी कॉमन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड जो है ये इस वाले पॉइंट पे जोड़ लेंगे इसको, एल वाले पॉइंट पे सॉकेट के, और ये इस साइड में जोड़ देंगे यहाँ पे, और इसी के साथ दूसरी वायर जोड़ लेंगे जो कि स्विच के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। इसको अच्छे से ट्विस्ट करके, और जो हमारा ये स्क्रू है, जो ये पॉइंट है टर्मिनल, इसके अंदर इसको कस देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और इस वायर को हम थोड़ा नाप के, और जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, वहां पे इसको ज्वाइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, यहां पे हम इसको ज्वाइंट लगा देते हैं, कस देते हैं। तो हमने ये कस दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमने कस लिया है फ्रेंड्स, इंडिकेटर का जो ये वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, इंडिकेटर का ये वाला पॉइंट और स्विच का ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को एक वायर से जोड़ देते हैं। तो हम एक वायर लेंगे, एक यहाँ पे जोड़ लेंगे और एक दूसरा एंड यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कि हमारा इनपुट फेज के लिए कॉमन बन जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो हम ये वायर लेके आएंगे, ये वाली वायर जोड़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके थोड़ी सी जगह पे एक गांठ लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये हमने गांठ क्यों लगाई है। ठीक है, तो इनमें से फ्रेंड्स जो रेड कलर की वायर है ये वाली, इसके अंदर फेज आएगा, गर्म वायर है हमारा, तो इसको हमने इतना लंबा छीलना है जो कि ये इंडिकेटर और स्विच के अंदर, दोनों के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं इतना लंबा इसको हम छीन लेंगे, ये छीन लिया है, और इसको अच्छे से ट्विस्ट करके, ये हमने अच्छे से ट्विस्ट कर लिया इसको, और जो हमारे ये वाले इंडिकेटर का पॉइंट था और एक ही स्विच का पॉइंट है, इन दोनों के अंदर से इसको निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्विच के पॉइंट से निकल गया ये, और अभी हम इसको इंडिकेटर वाले पॉइंट से भी निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इंडिकेटर के इस साइड में ये पहुंच गया है, तो हम इसको यहीं पर टाइट कर देते हैं, कस देते हैं। तो इस तरह से ये इंडिकेटर के अंदर भी पहुंच गया और ये स्विच के अंदर भी पहुंच गया है, और सारे के सारे ये स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। और फ्रेंड्स अभी बारी आती है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर हम कहाँ पे जोड़ेंगे। तो आपको जैसे पता है कि न्यूट्रल वायर का हमने कॉमन बनाया था, जहां पे भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, वहां पे आप न्यूट्रल वायर को जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस वाले पॉइंट पे न्यूट्रल वायर को जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पे जोड़ने के बाद ये इस सॉकेट में भी चला जाएगा और इंडिकेटर के अंदर भी चला जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी हो रही है। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने में इतनी लंबी कर देता हूँ। आपको कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं आपको सोच रहा हूँ कि डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये थोड़ी लंबी बना रहा हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ के आप अर्थिंग का पॉइंट अर्थिंग वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वायरिंग हो गई है, उसके लिए हमने एक लकड़ी का बॉक्स लिया है जिसके ऊपर हम इसको फिट करेंगे। लकड़ी के बॉक्स को हमने कुछ इस तरह से थोड़ा सा कट कर लिया जहां पे हमारी ये वायर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे ना, तो ये गांठ जो है इसको अंदर की साइड रखना है, ठीक है। जब भी इस वायर के ऊपर खिंचाव पड़ेगा ना, तो टर्मिनल के ऊपर खिंचाव नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ये गांठ के ऊपर ही खिंचाव पड़ जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से सेट करके और यहाँ पे हम ये दो स्क्रू लगा देते हैं, फिर आपको इसका टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारा ये बोर्ड बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी जो हमने ये वायर है, वायर के आगे की साइड हमने एक ये टू पिन टॉप लगा रखा है, ठीक है। तो इस टू पिन टॉप को हमें जहां पे सप्लाई है वहां पे इसको कनेक्ट कर देना है। मान लेते हैं हमने पीछे की कोई बोर्ड है वहां पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें पता लग जाएगा कि इंडिकेटर ऑन हो गया, तो इसके अंदर स्विच बोर्ड के अंदर सप्लाई आ गई है, यानी कि पावर है, बिजली है इसके अंदर। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमारे पास एक ये बल्ब है, बल्ब के हमने होल्डर लगा रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉकेट के अंदर लगा लेंगे और यहाँ पे इसको ऑन करके देखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आप इसी तरह से, कोई बल्ब की जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं, कूलर पंखा कुछ भी लगा के यहाँ पे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।